मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं DSSB हिंदी का पेपर। यह पेपर TGT हिंदी फीमेल का है, जो कि 15 सितंबर 2018 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। यह पेपर ऑनलाइन हुआ था और यह पेपर आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। DSSB के अन्य पेपर भी हम आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं। कुछ पेपर हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। आप उन सभी प्रश्न पत्रों को अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं या इन्हीं प्रश्न पत्रों में से रिपीट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह ऑनलाइन पेपर है। इस पेपर में आज हम केवल सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्नों के ऊपर ही बात करेंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। कुल मिला के इसमें 200 प्रश्न हैं, तो यहाँ पे केवल हम 100 प्रश्नों के ऊपर ही बात करेंगे जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके विषय से संबंधित प्रश्नों को। तो मित्रों, यहाँ से हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न आएंगे, सब्जेक्ट से संबंधित। इसका पहला प्रश्न, महाराणा प्रताप नाटक के लेखक कौन है? तो इसके चार ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में सही आंसर है राधा कृष्ण दास। ये ऑनलाइन पेपर है, इसमें हमें आंसर ऑलरेडी मिलेंगे टिक लगे हुए। अगला प्रश्न, माँ ऋषि मोहि कुठाओ किसका निबंध है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, तो सही आंसर है इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप चारों ऑप्शनों को देखिए और देखिए कि कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न, दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन इसके भी होंगे, तो सही आंसर है इसका राधा कृष्ण दास। चौथा प्रश्न, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो देखिए, यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे लेखकों के नाम होने चाहिए थे, किंतु यहाँ पे रचनाओं के नाम दे रखे हैं, तो इस हिसाब से यह आंसर सही होगा फर्स्ट वाला। देखिए, ललित ललाम जो रचना है वह मती राम की है, और इनका जो समय है, जन्म काल है, वो है 1604 से लेकर के 1701, यानी सबसे पहले मतीराम आते हैं। फिर दूसरी रचना है भावविलास, ये है देव की रचना, जो कि रीतिकाल के कवि हैं ये सभी। देव का जीवन काल आता है 1673 से 1767। अगली रचना है श्रृंगार निर्णय, भिखारी दास का है। इनका जन्म है 1750 से लेकर के 1807 के बीच में, भिखारी दास, रीतिकाल के कवि। आखिर है जगत विनोद, यह है पद्माकर की रचना, और इनका जन्म काल आता है 1753 से 1833 के बीच में। तो इसी अनुसार यहाँ पे पहला आंसर सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्त शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले उन्होंने परमानंद दास को रखा है, फिर उन्होंने चतुर्भुज दास को रखा है, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये इसका सही क्रम है। थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न जरूर है। अगला प्रश्न, कौन सा रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है? देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने दो तरह के निबंध लिखे थे, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। तो यहाँ सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है, तो चार ऑप्शनों में से सही आंसर होगा मानस की धर्म भूमि। बाकी सारे निबंध सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधी हैं। कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर है इसका निराला। निराला जी ने इसकी रचना की है। कौन सी कृति केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? देखिए, यहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो चार ऑप्शन में हमें देखना होगा। सही आंसर है पांचाली, ये केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा नहीं लिखी गई है। पांचाली जो रचना है वो कविता संग्रह है, और इसके लेखक हैं रांगेय राघव। बाकी अन्य रचनाएं,
फूल नहीं रंग बोलते हैं, माझी ना बजाओ वंशी, वसंती हवा, ये सब केदारनाथ अग्रवाल की है, किंतु पांचाली केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तौर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो देखिए, कविता की लाइनें भी आ जाती हैं एग्ज़ाम में, काफ़ी मुश्किल सवाल होते हैं इस तरह के। सही आंसर है इसका हरिवंश राय बच्चन, और यह कविता उन्होंने लहरों का निमंत्रण नाम से लिखी है, तो सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न, अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बोल बोई, यह किसकी पंक्ति है? देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आते हैं एग्ज़ाम में, रिपीट भी होते हैं, तो आपको देखना है इन सभी प्रश्नों को। सही आंसर है इसका मीरा के द्वारा लिखी गई ये लाइन है, उक्ति है। प्रिय नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? तो इसका सही आंसर है कुबेर नाथ राय। काफ़ी आसान प्रश्न, राहुल सांकृतियान द्वारा रचित यात्रा के पन्ने की रचना की विधा है, तो यात्रा के पन्ने, देखिए बहुत आसान प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंधित है यह किताब। बीती विभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? देखिए, अलंकार में हमने यह उदाहरण काफ़ी देखा होगा रूपक अलंकार में, लेकिन यहाँ काव्य संग्रह की बात हो रही है, तो यह लहर कविता से ली गई लाइनें हैं, तो आपको ध्यान देना है। कौन सा रांगेय राघव का रिपोर्टाज है? तो चार ऑप्शन यहाँ पे हैं, तूफानों के बीच में, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है? तो इसका एक और नाम है मारे गए गुलफाम, बिल्कुल सही आंसर। पंद्रवा, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम है? प्रथम महाकाव्य है हिंदी का पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी। नेफा की एक शाम किसकी नाट्य कृति है? देखिए, चार ऑप्शन, सही आंसर है इसका ज्ञानदेव अग्निहोत्री। हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? काफ़ी आसान प्रश्न है, सही आंसर है इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सूफी साधना के चार पड़ावों में शामिल नहीं है, तो देखिए सूफी साधना के चार पड़ाव यहाँ पे हैं, जो नहीं है वो हमें पहचानना है, तो मरीफत है, हकीकत है, शरीयत है, लेकिन सराफत नहीं है। तो देखिए, सूफी साधना के चार पड़ाव बताए गए हैं, सबसे पहले आता है शरीयत, शरीयत का मतलब होता है कर्म कांड करना, पूजा करना। दूसरी आती है तरीकत, तो यहाँ पे तरीकत होना चाहिए था, तरीकत का मतलब होता है उपासना या प्रार्थना। फिर आता है मरीफत, और आखिर में आता है हकीकत। तो सही आंसर यहाँ पे जो नहीं है, यानी चार पड़ाव में शामिल नहीं है, वह है सराफत, यानी सराफत के स्थान पर यहाँ पे तरीकत आना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? काफ़ी आसान प्रश्न, 1903 में उन्होंने सरस्वती नाम की पत्रिका का संपादन किया। देखिए अगली जो लाइन है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्त परिपक्तत्वा जाने रसिक न और। देखिए ये लाइनें किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो सही आंसर है इसका भिखारी दास। बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, फिर भी हमें देखना है, रिपीट आ जाते हैं ये प्रश्न। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका निबंध संग्रह है? काफ़ी आसान प्रश्न, विद्या निवास मिश्र इसके राइटर हैं, निबंध संग्रह के लेखक। विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है जिसमें विरह की प्रधानता है? तो देखिए सही आंसर होगा विसलदेव रासो। कौन सा मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? चारों ऑप्शन में से देखिए,
डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है, बाकी अन्य सभी लेखक मार्क्सवाद से प्रभावित थे, उन्होंने उन पर लिखा भी है अपनी रचनाओं में। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह किस नाटक की पंक्ति है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो ये जो पंक्ति है यह है स्कंदगुप्त की, तो सही आंसर है इसका स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है, देखिए फांसी, याद रखना है आप सभी को, जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है फांसी। गोरी गदकारी परे हसत कपुलन गाढ़, कैसी लसती गवारी यह सुन किरवा की आड़। इसमें बिहारी ने किसका वर्णन किया है इन पंक्तियों में? तो देखिए नायिका का सौंदर्य वर्णन यहाँ पे बिहारी ने किया है। थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न जरूर है। अगला प्रश्न, नैन बांक सरी पूज न कोई, मानस भेदक उल थाई दोई, राते कंबल करिह अली भावा, घूम ही माति चहह ही अपसावा। तो यह जो पंक्ति है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति लिखी गई है जायसी के द्वारा। इसमें उन्होंने नक्षिक वर्णन कर रखा है। अगली देखिए फिर से पंक्तियाँ आ गई हैं, ये पंक्तियाँ आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, चाहत उड़ावन भूकि पहारू। तो ये जो फेमस लाइनें हैं ये है राम लक्ष्मण संवाद के बीच में, तो परशुराम लक्ष्मण संवाद ये हमने कक्षा दसवीं में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, या पढ़ाया होगा, काफ़ी आसान प्रश्न था। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अध नारी, आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आधा कठोरा। देखिए फिर से लाइनें आ गई हैं, किसने लिखी हैं, ये कहाँ से आई हैं? तो ये लाइनें विद्यापति पदावली से ली गई हैं, विद्यापति इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, कौन रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है? तो रीतिबद्ध, देखिए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये रीतिकाल में कवियों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, तो रीतिबद्ध कवि यहाँ पे नहीं है आलम, बाकी ये रीतिबद्ध कवि हैं शेष कवि। आलम यहाँ पे रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, तो सही आंसर यहाँ पे आलम होगा जो कि रीतिबद्ध कवि नहीं है। अगला प्रश्न, बाल चंद बिज्जा बई भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। तो देखिए ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई हैं, काफ़ी मुश्किल प्रश्न है, और ये पंक्तियाँ उनकी कीर्ति लता नामक किताब से ली गई हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, रिपीट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो इन प्रश्नों के नोट्स भी बना सकते हैं। मधुर राग बन विश्व सुलाती, सौरभ बन कण कण बस जाती। देखिए यह लाइन किसने लिखी है? तो ये लाइन है महादेवी वर्मा की, और ये नीरजा नामक उनके काव्य संग्रह से ली गई लाइन है। कृष्णदास किसके शिष्य थे? तो कृष्णदास थे वल्लभाचार्य के शिष्य, अष्टछाप के आठ कवि, आठ में से चार शिष्य वल्लभाचार्य के और चार शिष्य उनके पुत्र के थे। उस्मान ने जहांगीर के शासनकाल में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उस्मान देखिए इनके द्वारा रचित रचना का नाम है चित्रावली, काफ़ी आसान प्रश्न। युग की गंगा संग्रह में क्या वर्णन है? तो युग की गंगा में क्या वर्णन है ये तो काफ़ी मुश्किल प्रश्न है, लेकिन सही आंसर इसका यथार्थवादी रचनाएं और जनगीत, ये रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। तो देखिए कोई ना कोई प्रश्न तो मुश्किल ज़रूर होते हैं, जिन्हें हमें शायद उत्तर देने में परेशानी होती है।
फिर भी हमें नई जानकारियाँ मिलती हैं नए पेपर से, नए प्रश्न पत्रों को जान करके। अगला प्रश्न, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? ये तो बहुत आम प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो सही आंसर है इसका सेनापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे वैज्ञानिक आधार दिया है? तो उन्होंने रस विवेचन को वैज्ञानिक आधार दिया है। जयशंकर प्रसाद रचित जनमेजय का नाग यज्ञ का रचना वर्ष है? चार ऑप्शन यहाँ पे, सही आंसर है 1926। पद्मावत में सिंहल दीप किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में सिंहल दीप हृदय का प्रतीक है। देखिए उसमें अलग अलग प्रतीक हैं, उनको आपको याद करना होगा। तो सिंहल दीप यहाँ पे हृदय का प्रतीक था, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी पद्मावत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राही मासूम रज्जा द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो देखिए चार ऑप्शन में से सही आंसर है आधा गांव, ये राही मासूम रज्जा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई हैं, काव्य पंक्तियाँ, काफ़ी मुश्किल लाइनें हैं जो कि आरंभिक हिंदी की हम मान सकते हैं। तो ये लाइनें किस कवि की हैं? तो देखिए सर हप्पा ये इसके राइटर हैं, या सर हप्पा के द्वारा ये लिखी गई लाइनें हैं। गोदान का प्रकाशन कब हुआ? तो गोदान का प्रकाशन हुआ 1936 ईस्वी में। समाज और धर्म के निबंधकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया था, वे कौन थे? तो देखिए समाज और धर्म के निबंधकार, तो समाजवाद पे निबंध लिखा था, चार ऑप्शनों में से संपूर्णानंद ने। संपूर्णानंद हिंदी के लेखक थे और उन्होंने दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया था, 1954 से लेकर के 1960 तक वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अगला प्रश्न, अमिया हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रतनार जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार, यह लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है इसका रसलीन। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इस तरह से पूछे जा रहे हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, यह पंक्ति किस कवि की है? काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न हैं इस तरह के, यदि हमने कविताएं नहीं पढ़ी तो इस तरह के प्रश्न ज़रूर से मुश्किल होते हैं। तो देखिए यह लाइन जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई लाइन है और किताब का नाम है कामायनी, जो कि महाकाव्य है और इसमें भी 15 सर्ग हैं और यह लाइन श्रद्धा नामक सर्ग से ली गई है। अगला प्रश्न, कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? तो पहाड़ी बोली नहीं है बुंदेली, बाकी अन्य जो बोलियां हैं ये पहाड़ी बोलियां हैं, नेपाली कुमाऊनी और गढ़वाली, लेकिन बुंदेली पहाड़ी बोली नहीं है। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है सब ही नचावत राम गोसाई, बाकी अन्य उपन्यास भगवती चरण वर्मा के नहीं हैं। शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा खंड नहीं है? काफ़ी मुश्किल प्रश्न, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा इस उपन्यास को तो उनके लिए यह प्रश्न पहचानना बहुत मुश्किल है। तो सही आंसर है बंधन और जिज्ञासा, बाकी इसमें अन्य प्रथम भाग के खंड में है। अगला प्रश्न, कौन सा हरिओत का नहीं है? यानी कौन सी रचना हरिओत की रचना नहीं है? तो देखिए यशोधरा, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना नहीं है, अन्य रचनाएं सभी हरिओत की हैं। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य है। हरी घाटी किसका यात्रा वृत्त है? डॉक्टर रघुवंश का यात्रा वृत्त है हरी घाटी। काफ़ी आसान प्रश्न,
राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो को किस कवि की रचना माना है? तो उन्होंने हमीर रासो को माना है जज्ज्वल की रचना। इनमें से भूषण का लक्षणा ग्रंथ कौन सा है? तो शिवराज भूषण ये इनका लक्षणा ग्रंथ है। भूषण रीतिकाल में भी वीर कवि थे या वीरता से संबंधित कविताएं लिखी। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसके द्वारा रचित है? तो ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है धर्मवीर भारती का। काफ़ी आसान प्रश्न था। किस धारा में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343, ये सभी लोग जानते हैं, हिंदी पढ़ने वाले पढ़ाने वाले। कौन सा उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से देखिए, अंजो दीदी, कैद, जय पराजय, ये उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक है, लेकिन कोणांक जगदीश प्रसाद माथुर का नाटक है। तो इसलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है, बल्कि यह जगदीश चंद माथुर का नाटक है। अगला प्रश्न, शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? तो चारों ऑप्शन देखिए, सही आंसर होगा मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ। दूसरा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए कुछ नए लेखक हैं, नया प्रश्न है, तो दो चार प्रश्न ऐसे आते ही हैं जिनका शायद हमें न पता हो या हमने न पढ़ा हो। जानवर और जानवर किसका कहानी संग्रह है? तो यह आसान प्रश्न था, मोहन राकेश इसका सही आंसर होगा। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो देखिए कन्नौजी आएगी हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। सावित्री किस नाटक की नायिका है? तो सही आंसर है इसका आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश का लिखा गया नाटक है और सावित्री इसकी नायिका है। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? तो देखिए अव्यय होते हैं क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण में भी चार प्रकार के होते हैं, तो दिशाबोधक या दिशावाचक, इधर उधर जिधर, शुद्ध शब्द छांटिए, तो चार ऑप्शन में से सही आंसर है सुषुप्ति। बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? तो हिंदी प्रदीप, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। मूर्धन्य अल्पप्राण सघोष और अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो देखिए इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, तो यदि हम कहें तो क वर्ण, कंठ, ये कंठ वाला हो गया, ये तालु वाला हो गया, तो मूर्धन्य अणा आ गया और दंत ना हो गया, तो इसलिए सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। भोजपुरी किस भाषा की बोली है? तो भोजपुरी बिहारी भाषा की बोली है। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद हैं, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद हैं 11। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा हमेशा प्रत्यय लगाकर बनती हैं, तो निकट यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं जो कि प्रत्यय से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न, कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा असमिया। संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत किस भाषा ने ली? चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा हिंदी। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? तो अलग होने से जो कारक होता है उसे कहते हैं अपादान कारक, सही आंसर होगा इसका अपादान कारक। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई कालई हमारी बार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए अन्योक्ति अलंकार। तत्सम शब्द छांटिए, चार ऑप्शन में से सही आंसर है अभिव्यक्ति, तत्सम और तद्भव, सही आंसर होगा अभिव्यक्ति, बाकी सभी यहाँ पे तद्भव शब्द हैं। राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ,
इनमें से कौन सा पद संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन तथा कर्मकारक आदि पदान्वय में है? तो देखिए यहाँ पे पुस्तकें जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है और कर्मकारक है, यानी पद परिचय का सवाल है। कौन सा वाच्य में प्रयोग का भेद नहीं है? तो चार ऑप्शन में से सार्वनामिक यहाँ पे वाच्य का भेद नहीं है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जबकि सार्वनामिक तो विशेषण होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे वाच्य का भेद नहीं है। पितृ ऋण किस प्रकार की संधि है? तो ये दीर्घ संधि है, पितृ प्लस ऋण, आसन संधि विच्छेद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू यहाँ पे तुर्की भाषा का शब्द है। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है उससे क्या कहते हैं? तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न कह सकते हैं, सही आंसर है इसका उत्क्षिप्त। अगला प्रश्न, हेतु हेतु मद भविष्य का वाक्य होगा, वह आए तो मैं जाऊं। तो हिंदी में देखिए काल को पढ़ना समझना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप ज़रूर इन्हें पढ़िए, फिर ऑप्शनों को देखिए, तो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। बात का नाम धातु क्रिया होगा, तो नाम धातु क्रिया वो होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती हैं। तो देखिए बात का होगा बतियाना, बतियाना एक क्रिया है, तो बात से होगा बतियाना। मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, तुम लोगों को, तुझे, तुझमें, तुम में, सही आंसर है तुम लोगों को। इनमें से दीर्घ स्वर संधि नहीं है, तो दीर्घ स्वर संधि नहीं है, गिरि प्लस इंद्र ये दीर्घ संधि है, मही प्लस इंद्र महेंद्र, पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश, लेकिन महा प्लस इंद्र महेंद्र ये गुण संधि है, बाकी दीर्घ संधि है, तो ये स्वर संधि नहीं होगा, यानी दीर्घ स्वर संधि नहीं होगा, ये गुण संधि होगा, तो दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ तत्सम शब्द नहीं पूछा है, तो प्यास यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, बाकी अन्य तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित कविता को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। देखिए कितनी छोटी सी यहाँ पे कविता है, आप इसे पढ़िए, समझिए, वीडियो को पॉज करिए, हम दिखाते हैं आपको प्रश्न। इसका उपयुक्त शीर्षक होगा, तो उपयुक्त शीर्षक होगा इसका गांव की शाम। निम्नलिखित कविता को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सेम कविता है। अगला प्रश्न, इसमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तत्सम, खिचड़ी, लोक, विदेशी, तो जो कविता है इसमें लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, जन भाषा का। इन पंक्तियों में किस प्रकार के चित्रण का वर्णन है? चार ऑप्शन देखिए, तो सही आंसर होगा गांव की संध्या का। देखिए अब यहाँ पे गद्यांश है, छोटा सा गद्यांश, गद्यांश को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। कौन मनुष्य जाति के सिरताज हैं? तो चारों ऑप्शन में देखिए, अमेरिका और जापान के लोग। कुछ पाश्चात्य देशों की उन्नति होने की वजह क्या है? अपने भरोसे पर रहना और काम करने की कला रखना, काफ़ी आसान प्रश्न। हिंदुस्तान की उन्नति न होने का कारण है, ये लोग अपने भरोसे पर रहना भूल चुके हैं, गद्यांश के अनुसार सही आंसर होगा। हम लोगों में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश क्यों नहीं मिलता? तो चार ऑप्शन में देखिए, क्योंकि अपने भरोसे रहना हमारा गुण नहीं है। अगला प्रश्न, मनुष्य जाति के सिरताज का क्या तात्पर्य है? तो देखिए समग्र मनुष्य जाति में विकसित। अब देखिए प्रश्न 11 से यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प के साथ वाक्य को पूर्ण करें, पाठक को एक डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चार ऑप्शन देखिए, सही आंसर होगा कूटानुवाद, डिकोडिंग, प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ब्रैकेट में आ जाएगा। शैक्षणिक सामग्री ज्ञान शब्द पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो चार ऑप्शन में से सही आंसर है ली शुलमैन। अनुभवजन्य ज्ञान के मूल स्रोत में से एक डैश है हमारी इंद्रियां, इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं।
नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें। इस विश्वास के साथ अपने परिवार के एक सदस्य की हत्या कर देना, न कि पीड़ित ने परिवार को निराश किया है और परिवार को शर्मिंदा किया है, क्या कहलाता है? सम्मान हत्या। देखिए, अजीब सा प्रश्न था, साइकोलॉजी कम सोशियोलॉजी ज़्यादा। वैज्ञानिक विधि एक प्रक्रिया का पालन करती है, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैज्ञानिक प्रक्रिया का भाग नहीं है। समस्या को बढ़ाना यह वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, बाकी सभी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इनमें से क्या कभी कभार सीखने को प्रभावित करता है? तो शिक्षार्थी की वृद्धि ये सीखने को प्रभावित करता है। कथन पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनें। शोध के अनुसार संगीत चलते रहने के दौरान प्रमस्तिष्क बलकुट के सभी भाग सक्रिय रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि डैश। तो चार ऑप्शन में से कला के माध्यम से संज्ञानात्मक उद्दीपन को बढ़ाया जाता है। काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखा गया है, थोड़ा पढ़ने में मुश्किल ज़रूर है। अगला प्रश्न, शैक्षणिक मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो डैश के व्यवहार को समझने में संबंधित है। छात्रों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। समावेशी तब अधिक प्रभावी होते हैं जब इसमें समावेशी दर्शन होता है। चार ऑप्शन आप देखिए और कोशिश करें। संग्रहालयों में जाने से, टीवी देखने में से या पत्रिकाओं को पढ़ने से प्राप्त ज्ञान किस प्रकार की शिक्षा सम्मिलित है? दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, ये होगा अनौपचारिक शिक्षा। तो मित्रों, इस तरह से हमारा DSSB TGT हिंदी फीमेल 2018 का प्रश्न पत्र समाप्त हुआ, जो कि 15 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इसके अन्य भाग भी हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे और DSSB TGT PGT हिंदी के अन्य प्रश्न पत्र भी हम आपके लिए ज़रूर लेकर आने वाले हैं। हमसे ज़रूर जुड़ें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे अन्य वीडियो को भी अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए ज़रूर देखें, जिसमें हमने DSSB, NBS, KBS, LT उत्तराखंड और अन्य जो भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पत्र हैं आपके लिए अपलोड पहले ही कर रखे हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। UGC नेट के पेपर भी उनमें शामिल हैं। निश्चित रूप से आपको नया ज्ञान मिलेगा, नए प्रश्न मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, DSSB के नए प्रश्न पत्र के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।